श्रीमद वाल्मीकि रामायणम अरण्य कांडम सप्तम सर्ग राम सहित तो भ्रात्र सीतया च पर सुतीक्षणश्रम पदम जगाम सह तेज स गूरम्वान नदी स्थिवा बहूद ददश विमल वोन्नतं ततस्तदिक्ष्वाकुवरौ प्रविष्टस्तुवनं बहु पुष्पफलद्रुमं ददश ददशाश्रमे कान्ते चीरमाला परिष्कृतं त्राप सीनम मलपंकज मा, धारिण रामतीक्षण विधिव तपोधनम भाषत रामो अहमस्गव द्रष्टुगदर्म महर्षे सत्यक्रम सत्यविक्रम तन्माभिवन् वद धर्मज्ञ महर्षे सत्यविक्रम निरीक्षत तो धीरो रामं धर्म भृतांबरं समाश्लिष्य च बाहुभ्यामिदं वचनम अब्रवीत स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्य भृतांबर आश्रमो यम त्वया क्रांतस्ना सनातयिव सांप्रतं प्रतीक्षमानस त्वामेव नारोहेहं महायशः देवलोक कवितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले चित्रकूटमुपादाय राज्य भ्रष्टो सिमे श्रुतः इहोपयातः काकुस्त देवराज शतक्रतुः उपागम्य च देवो महादेव सुरेश्वरः उपगम्य मे देवो महादेव सुरेश सर्वालोकांजिता मम पुण्येन कर्मण तेषु देवर्षिजुष्टु जितेषु तपसा मै मत विहरस्य विहरस्व स लक्ष्मण तमुग्र तमुग्र तपस महर्षे महर्षि महर्षि प्रत्युवाचात्मनात्रामो ब्रह्मनामिव नाम अहमेवा हरिष्यामि स्वयं लोकान् महामुने आवासं त्वहमिच्छामि प्रतिष्ठ मह कानने भवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूत हिते रतः आख्यातं शरभंगेन गौतमेन महात्मना एव मुक्तस्तु रामेन महर्षि लोक विश्रुतः अब्रवीन मधुरं वाक्यं हर्षेण महता युतः अयमेव आश्रमो राम गुणवान् रम्य मेती ऋषि ऋषि अचरीत सदा मूलपल इमम आश्रममागम्य मृगस असंगामहियसः अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा अक्तोभयाः नान्यो दोषो भवत् बवे तत्र मृगेभ्यो अन्यत्र विद्धिवई तच्छृत्वा वचनं तस्य महर्षे लक्ष्मणग्रजः उवाच वचनं धीरो विगृह्य सशरम धनु तान सुमहाग मृगसंगा मृग संगा हन्याम निशित धारेण शरेणान शरेणान तपर्वना भवांस तत्रा भिषच्येत किं स्यात् कृच्छ्रतम त कृच्छ्रत रम ततम त कृच्छ्रतरम ततः एतस्मिन् आश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये तमेव ोत्पर परमं राम सन्ध्यापु सन्ध्यामुपागमम् अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकल्पयत् सुतीक्ष्णस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ततः शुभं तापस योग्य योग्यमन्नं स्वयं तु सुतीक्ष्णः पुरुषा पुरुषस्य बाभ्याम् ताभ्याम सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्या निवृत्तौ रजनी समीक्ष्य इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकांडे सप्तमः सर्गः